HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धनबाद के पांडरपाला स्थित एक घर में परिवार के सदस्य रोजाना रात को फुफकार की आवाज सुनते थे, पर कभी कुछ नजर नहीं आया। परिवार को शक हुआ कि फुफकार सांप का हो सकता है। उन्होंने एक स्नेक सेवर से संपर्क किया। जब शुक्रवार को स्नेक सेवर ने जांच के बाद आंगन में बने प्लास्टर को तोड़ा तो लोग शॉक्ड रह गए। प्लास्टर के नीचे से 16 अंडों के साथ एक नागिन निकाली गई। नागिन को काबू करने में स्नेक सेवर के पसीने छूट गए। स्नेक सेवर बप्पी दा ने बताया कि जब परिवार के सदस्य उनसे मिलने आए थे और फुफकार की बात बताई, तब ही मैंने उन्हें बताया था कि आपके घर में सांप प्रजनन कर रहा है। उन्होंने बताया कि परिवार के सदस्य जब भी आंगन की ओर रात में जाते तो नागिन अपने अंडे को सेफ करने के मकसद से फुफकार लगाती थी। हालांकि सांप कभी दिख नहीं पाया, इसलिए परिवार के सदस्यों को ये समझने में वक्त लग गया कि आंगन में सांप पल रहे हैं। नागिन ने घर के आंगन में अपना ठिकाना बना रखा था। उसने 16 अंडे दिए थे जिसकी वो सावधानी से निगरानी कर रही थी। बप्पी दा ने जब उसे पकड़ने का प्रयास किया तो नागिन ने अपने अंडों की सुरक्षा करते हुए काफी देर तक उनसे बचने का संघर्ष किया। हालांकि बाद में नागिन को काबू कर लिया गया। बप्पी दा ने बताया कि 2 अंडों में से बच्चे निकल चुके थे जबकि 14 से बच्चे बाहर आने बाकी थे। बप्पी दा ने बताया कि अंडे करीब 40 दिन के हो चुके थे। यही वो वक्त होता है जब अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं। हालांकि नागिन को पकड़ लेने से उस घर में रहने वाला परिवार अब तन की सांस ले रहा है।